सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी, जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुँचाए। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर मिलिंद फर्चे, मैं यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल औरंगाबाद यहाँ पे हृदय विभाग प्रमुख करके कार्यरत हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एंजियोप्लास्टी में जो एडवांस ट्रीटमेंट टेक्निक्स अवेलेबल है उसके बारे में। अभी तक एंजियोप्लास्टी यानी सबको पता है कि एंजियोप्लास्टी में हम जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली खून की नलियां है उसमें जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको हम बलून से खोलते हैं और उसमें स्टेंट डाल के उसको ओपन करते हैं ताकि हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है या फिर खून पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो सुरक्षित हो जाए, सीधी हो जाए या खून पहुंचना ठीक से चालू हो जाए। ये बहुत सिंपलीफाइड हो गया है, बहुत नॉर्मली मैंने आपको बोल दिया कि ऐसा होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। पहले ऐसा होता था कि जो सॉफ्ट ब्लॉकेजेस है या जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, कैल्शियम वाले नहीं है, ऐसे ब्लॉक में नॉर्मली एंजियोप्लास्टी की जाती थी। हार्ड ब्लॉकेजेस के लिए या फिर बहुत मल्टीपल ब्लॉकेजेस के लिए बाईपास का सहारा लिया जाता था। अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल हुई है उसके ज़रिए हम ज़्यादातर पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। हार्ट ब्लॉकेजेस हो, कैल्शियम के ब्लॉकेजेस हो, ऐसे पेशेंट्स में भी अभी एंजियोप्लास्टी करना पॉसिबल हो गया है। और ऐसे पेशेंट को अभी हम एंजियोप्लास्टी का जो लाभ है वो दे रहे हैं। जो हार्ट ब्लॉकेजेस होते हैं, कैल्शियम वाले ब्लॉकेज होते हैं, उसको खोलना मुश्किल होता है। सिंपल बलून से जैसे हम ब्लॉक खोलते हैं वैसा पॉसिबल नहीं होता है। वो जो कैल्शियम हार्ड होता है वो सादे बलून से खुलता नहीं है, तो उसको खोलने के लिए हम कुछ और नई टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो एग्जैक्टली है क्या, तो उसको देखने के लिए हम इमेजिंग करते हैं। इमेजिंग यानी हम खून की नली के अंदर जाके उसकी सोनोग्राफी करते हैं, उसको हम आईवस बोलते हैं। उसी तरह हम उसका ओसीटी भी कर सकते हैं। ये करके हम ये तय करते हैं कि वहाँ ब्लॉक कैसा है, उसमें कितना कैल्शियम है, वो कितना हार्ड है, और उसके अनुसार हम ये तय करते हैं कि उस कैल्शियम को, उस ब्लॉक को खोलने के लिए हमको कौन सी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम कटिंग बलून का यूज करके उसको खोल सकते हैं। कटिंग बलून यानी एक तरह का बलून होता है जिसके ऊपर फाइन ब्लेड्स लगे होते हैं और उसको हम खोल के वो ब्लॉक को, वो कैल्शियम को ब्रेक करते हैं। अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, सारी तरफ है, तो इसको खोलने के लिए, और अगर हमारा बलून भी अंदर नहीं जाता है तो हमें कभी कभी रोटा एब्लेशन यानी एक माइक्रो बर होता है, एक तरह का बरिंग कैथेटर होता है, उसको हम अंदर डाल के कैल्शियम को बर करके जगह बनाते हैं, उसके बाद बलून अंदर डाल के उसको खोलते हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा हार्ड कैल्शियम हो तो हमें उसमें IVL करने की ज़रूरत पड़ सकती है। IVL यानी इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी, ये एक तरह का कैथेटर होता है जो अंदर डाल के उससे लिथोट्रिप्सी वेव्स दे के जो कैल्शियम होता है उसको माइक्रो क्रैक्स उसमें बनाता है, उसको छोटे 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 क्रैक्स बना के उसको खुलने के लिए मजबूर कर देते हैं, उसके बाद हम बलून से उसको खोल सकते हैं। तो ये सारी तकनीक्स हैं और ये इमेजिंग के द्वारा हम तय करते हैं कि कौन सी तकनीक हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी उस ब्लॉकेज के लिए सही होगी और उस हिसाब से हमें उसका यूज़ करना चाहिए। ऐसा जनरली डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ जिनको है, खास करके जिनको लंबे अरसे से डायबिटीज़ है, उन लोगों को बिना कोई सिम्टम्स के, बिना कोई तकलीफ के हार्ट अटैक आ सकता है। तो उनको चेस्ट पेन भी नहीं होता है और कुछ थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, थोड़ी सी एसिडिटी हुई ऐसा समझ के लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, वो बाद में पता चलता है कि ये तो हार्ट अटैक। तो
तो कोई भी ऐसा सिम्टम्स आपको रहे या कोई भी आपको ऐसा लगे कि नहीं ठीक नहीं लग रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स में तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। दूसरा ये भी होता है कि किसी किसी को ऐसा लगता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है और सिर्फ सीने में जलन हो रही है और लोग उसको एसिडिटी समझ के उसको ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये अगर एसिडिटी आपको आधे घंटे से ज़्यादा रहती है तो वो शायद एसिडिटी ना हो और कुछ हो, हार्ट की तकलीफ हो, तो उसे नज़रअंदाज ना करें और उसको चेकअप करना ज़रूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एसिडिटी समझ के लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है ये तो हार्ट अटैक था। तो ये कुछ संजोग है कि जिसमें ऐसा हो सकता है कि हार्ट अटैक जैसा दिखता नहीं है लेकिन वो हार्ट अटैक होता है। डायबिटीज जिनको है उन्होंने खास करके रूटीन चेकअप रेगुलरली साल में एक बार करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें कुछ मेजर तकलीफ होने के पहले ही पता चले कि हमें कुछ हार्ट में या और बाकी सारी जगह पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो हम एक तरह जो हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके पहले ही हम अगर उसे डिटेक्ट कर ले कि ये पॉसिबिलिटी है तो उसकी ट्रीटमेंट करके हम उसे कुछ हद तक प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने चेक कर लिया और हमारे वैसे कोई पॉसिबिलिटी अभी लगती नहीं है कि इनको अटैक आ सकता है, फिर भी इन फ्यूचर ऐसे चांसेस होते हैं कि जिसको अभी कोई हार्ट की तकलीफ नहीं लेकिन डायबिटीज है तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा न हो इसलिए कुछ मेडिसिंस भी प्रिवेंटिव होती है जो डायबिटीज के पेशेंट्स ने लेना चाहिए। तो उस तरीके से अगर आप आपके डॉक्टर से सलाह मशवरा करते हैं तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये मेडिसिन आपको आगे हार्ट अटैक नहीं हो इसके लिए लेने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो है ही, जैसे डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज रेगुलर होनी है और मेडिसिन रेगुलर लेनी है, इन चीज़ों का ध्यान तो हमें रखना ही है। डायबिटीज़ पेशेंट ने हार्ट के लिए कौन सी टेस्ट और कितने दिन में करना चाहिए? नॉर्मली हम साल में एक बार रूटीन चेकअप करने की सलाह देते हैं। इसमें हम नॉर्मली जो सिंपल प्राइमरी हार्ट की टेस्ट है जिसे हम इको ECG एंड स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, ये हम करने की सलाह जनरली को देते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। आरोग्य जागृति।